प्रदेश के महोबा में एआरटीओ की गुंजाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एआरटीओ खुलेआम एक ऑटो मालिक की पिटाई करते हुए दिख रहा है। ऑटो मालिक का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तैनात एआरटीओ प्रवर्तन अजय यादव के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान प्रवर्तन कर्मियों ने एक बुजुर्ग की बाल पकड़कर पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम के वक्त पुलिस भी साथ थी। ऑटो मालिक का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। महोबा शहर के बजरिया चौकी के समीप एआरटीओ प्रवर्तन अजय यादव अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान रेलवे स्टेशन के समीप सड़क किनारे खड़े ऑटो का चालान कर दिया गया। वाहन स्वामी राकेश यादव का आरोप है कि मेरे दो ऑटो सड़क पर चलते हैं, एआरटीओ ने कल मेरे एक ऑटो का चालान कर दिया था, अब सड़क किनारे खड़े दूसरे ऑटो का चालान कर दिया। इस मामले को लेकर मैंने मौके पर एआरटीओ अजय यादव से बात शुरू की तो सुरक्षा में तैनात सभी प्रवर्तन कर्मी गाली गलौज पर आमदा हो गए। आरोप है कि एआरटीओ अजय यादव ने मारपीट के दौरान 15,000 रुपए भी छीन लिए हैं। वहीं एआरटीओ द्वारा पुलिस के सहयोग से पीड़ित को ही कोतवाली में बिठा गया, जिसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ऑटो चालक कोतवाली में इकट्ठा हो गए। पीड़ित के परिजनों ने एआरटीओ पर गुंडई का आरोप लगाया है। एसपी मणिलाल पाटीदार ने बताया कि महोबा शहर के सराफीपुरा में रहने वाले ऑटो वाहन स्वामी राकेश यादव ने एआरटीओ यादव और उनकी टीम पर मारपीट कर 15,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर एआरटीओ जी ने भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप ऑटो मालिक पर लगाकर शिकायती पत्र दिया है। कल आरटीओ ने एक आपे मेरी बंद कर दी। मैं उसे आज छुड़वा कर रिलीज ऑर्डर बनवा के पहुँचा। ये चौकी जा रहा था, रास्ते में मेरी दूसरी आपे स्टेशन में खड़ी हुई थी, उसको ज़बरदस्ती उठाकर आरटीओ साहब ने धक्का लगवा कर बंद कर दिया। मैंने जाके उनसे पूछा कि साहब मेरी गाड़ी दूसरी क्यों बंद कर दी, मैं एक को छुड़वा के आ रहा हूँ। तो बस उनके दो सिपाही उतरे और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उनका ड्राइवर भी आया, उसने भी मारना पीटना, साहब भी आए, साहब ने भी मारना पीटा, मेरे 15,000 रुपये छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया और चश्मा भी मेरा तोड़ दिया। कितने लोग थे आरटीओ साथ में? आरटीओ के साथ में आरटीओ साहब थे, ड्राइवर था और दो सिपाही और थे। चारों लोग ने मुझे गिरा गिरा कर वहीं लाठी डंडों से मारा, बजरी चौकी के स्टाफ के सामने ही मारा। उन लोगों ने मुझे बचाया, बचा के ले गए। अच्छा, वजह क्या थी? गाड़ी बंद कर दी थी मेरी। मैंने उनसे पूछा कि साहब मेरी गाड़ी ढूंढ ढूंढ के काहे बंद करते हैं, खड़ी गाड़ी, बोले घर पे खड़ी है तेरी, घर से गाड़ी निकाल के बंद कर दूंगा। तो मैंने घर से कैसे बंद कर देंगे आप? तो बस इसी में नाराज हो गए साहब। तो साहब उतरे तो साहब ने मारा, मारना चालू किया तो दोनों सिपाही आ गए, दोनों सिपाहियों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। पैसे वैसे की मांग करते हैं क्या जी? पैसे की मांग करते हैं ऑटो वालों से महीना? हाँ, पैसे की मांग करते हैं। ये आए दर कल है, जो गाली जो राकेश की पकड़ी हुई थी वो आज छुटाने गए हैं। तो जब छुटाने गए हैं तो इसके बाद अजय यादव आई टू अजय यादव रेलवे स्टेशन से जाकर के जबरदस्ती टैक्सियाँ स्टेशन से उठाते हैं, दरवाजे पे गाली खड़ी तो उठा लाते हैं, अन्यथा गाली चलाना है तो ठीक है, नहीं चलाना है वो कहते हैं तो आप पैसे दीजिए। कितने पैसे मांगे? 4,000 रुपये पर मंथली दीजिए तो हमारे कोई कागजों की आवश्यकता नहीं, बगैर कागज के हम चला सकते हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा है नहीं है सर, तो हम कहाँ से इनको 4,000 रुपये देंगे? राकेश यादव गाली छुड़ाने जब पहुँचे हैं तो ये आईटीओ के साथ में ड्राइवर और प्लस पुलिस वालों ने राकेश यादव की मार पिटाई की है गाली छुड़ाने के कारण, जबकि इसी में उनका मोबाइल गुम है। हम ना मालूम उनके सिपाही लिए हैं कि आईटीओ साहब लिए हैं। अजय यादव ने तब की बहुत मारा राकेश यादव को। गाड़ी की बात कर लेके कोतवाली आई, कल हमारी एक गाड़ी राकेश यादव वाली कल एक गाड़ी की चलान किया आईटीओ साहब ने, अजय यादव ने,
एक गाड़ी आज छुड़ा के बोला आ नहीं पाए, दूसरी खड़ी गाड़ी स्टेशन से उठा करके ये ले आ रहा था आईटीओ साहब। इसके उसने आज जाके रिक्वेस्ट किया कि सर क्यों गाड़ी उठा के ले, खड़ी गाड़ी उठा के नहीं ले जाइए आप। तो इसने तुरंत गाली गलौज करके और मारपीट करने लगा और मारपीट की और उल्टा मुकदमा लगवा रहा है और हर डग्गा वाले से 1000 रुपया महीना मांग रहा है। ये गुंडाई नहीं है, गरीबों के साथ जास्ती नहीं हो रही है, ऐसी जास्ती क्यों कर रहे हैं। आरटीओ और उसके विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक रिक्शा वाला है जिससे उनकी कहा सुनी होगी, उसकी कहा सुनी में आपसे मारपीट का मामला प्रकाश में रहा है। तथ्यों की जांच के हिसाब से मुकदमा दोनों पक्षों की तरफ जो भी तहरीर दी जा रही है उससे सर्वे लिखवाया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।